Welcome guys, welcome back. Welcome back to another new episode of our gaming channel, Game Cho. Welcome back to Malam the Gamer Man. So guys, बहुत घंटे हो चुके आपको मिले तो Game Cho. और ये देखो, ये है हमारा आर्टिफैक्ट ऑफ हंटर जो हमने पिछले एपिसोड में किया था साउदर्न केव से. तो अगर आपको नहीं पता तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज दैट इज़ टू ओपी. पूरा का पूरा हमने बताया है कि कैसे पूरी की पूरी केव आप कंप्लीट कर सकते हो जस्ट ऑन अ रैप्टर. और आज हम जाएंगे कुछ डेली परसूट करने. जी हाँ गाइस, हम करेंगे डेली परसूट. परसूट में आज हमें मिला है कि हमें कुछ आर्टिफैक्ट लेने जाना है. अरे यार, अभी तो लिया था. सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़े नींबू ले लेंगे, नजर ना लग जाए किसी को हमारी हम पे किसी की. ओके, तो आर्टिफैक्ट ऑफ क्लेवर लेना है. ओह माय गॉड, मैप में बताया नहीं कहाँ पे. और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि मुझे नहीं पता. जी हाँ, हमें एक ही केव के बारे में पता था और हम वो केव कम्प्लीट करके आए. मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है केव. तो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं. हंट अर्जेंटाविस, ये करेंगे हम हंट अर्जेंटाविस. ओके गाइस, तो हमने वो परसूट बंद कर दिया. वो परसूट हमें नहीं अच्छा लगा. हमें नहीं पता आर्टिफैक्ट ऑफ क्लेवर कहाँ है. अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए. जल्दी बताइए, हम उसमें जाएंगे. तो हमें अभी आर्टिफैक्ट नहीं लेने जाना है. हम अभी जाएंगे हंटिंग करने, वो भी गरुड़ा की, आरजी की हंटिंग. तो हमें स्नाइपर राइफल चाहिए होगी, तो हम ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं थी. एंड बड़ा बूम बड़ा बूम, और कुछ नहीं चाहिए. ओके, जस्ट सम ऑफ दिस सम ऑफ दैट. और हमने डाट लिए अगर कहीं स्नाइपर का एमओ ख़त्म हो गया तो. मतलब 40 है. वी आर ऑल गुड. लेकिन हम हमारे बंदर को नहीं ले जा सकते हंट पे, दैट इज़ टू डेंजरस. और हमें हमारे मेसोपिथिकस को खोना नहीं है, तो हम स्टिमुलेंट इधर डाल देंगे. हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और नार्कोटिक्स हमने, गाइस आपने देखा कितने सारे नार्कोटिक्स है. यही फ़ायदा होता है जब आप फार्मिंग करते हो. वेट अ मिनट, हेलो स्नेल गाइस, अगर आपको नहीं पता तो ये हमने टेम किया था पिछले एपिसोड में जब वापस आ रहे थे आर्टिफैक्ट रख के. तो बंदर आप यहीं बैठो, हम आते हैं थोड़ी देर में. बाय. एंड ये स्नेल की बात मैं कर रहा था, पता नहीं क्योंकि अब बस हमारे पास नहीं था तो कर दिया. कभी उसको छोड़ भी देंगे, मतलब कि अनक्लेम कर देंगे. बॉय लेट्स गो. ये ग्रिफिन हमारा सबसे फेवरेट है. हाँ, हालांकि कलर में थोड़ा काला है, लेकिन काला है तो क्या हुआ, स्पीड वाला है. तो अभी तक के लिए ये सबसे तेज ग्रिफिन है हमारा. प्लस इसका स्टेमिना नहीं रहा अभी का, स्पीड का. हम भूल गए एक चीज कि जब परसूट में होते हैं, परसूट में तो इन्फिनिट तेज नहीं चलता, कोर कंसोल बंद हो जाता है. तो गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी टिप ट्रिक जो आपको काम आ सकती है सिंगल प्लेयर में बहुत ज़्यादा, पीवीपी में भी, कि अगर आप ग्रिफिन लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर पता हो कि ग्रिफिन में दो लोग बैठ सकते हैं और आप ये चेयर वाला बटन दबा के अपनी चेयर चेंज कर सकते हैं. तो जब अगर आप मेन चेयर पे बैठे हो, मतलब कि ड्राइवर की सीट पे, तो आपका ग्रिफिन है उसका हवा में स्टेमिना गेन नहीं होगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा नीचे, जैसे कि अभी हम जा रहे हैं, जो सीधी सी बात है. लेकिन अगर आप दूसरी चेयर में चले जाओगे तो अपने आप हवा में बैठे बैठे भी वो स्टेमिना रीगेन कर लेगा. ओके, तो हम आपको ले चलते हैं जब हम यहाँ पे पहुँच गए. सम कूल इफेक्ट्स देयर. ओके गाइस, तो हम यहाँ पे स्नो बायो में आ गए क्योंकि यही है गरुड़ा घाटा. तो हम आरजी को मारेंगे. तो हमें दो चीज़ें की ध्यान रखनी है, एक कि हमें ठंड लग रही है और दूसरा कि हमारा स्टेमिना अब इनफाइनाइट नहीं है, तो हमें बैठना होगा. तो लेट्स सी. आउच, गिरना भी नहीं है हमें, अब ध्यान रखना होगा. ओके मैलम, यू कैन डू इट. लेट्स किल द फर्स्ट आरजी. गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दैट हेल्प्स मी अ लॉट लिटरली. एंड बुम 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 बुम.
अक्रमण, आई लव दिस असॉल्ट राइफल, बिल्कुल पबजी वाली फीलिंग आ गया, मजा आ गया। एंड वन डाउन, सो इजी सो फार। हमारा पहला गरुड़ा, हमने भूख चढ़ा दिया है अपने ग्रिफिन को, जिसका नाम भी हम बोल चुके। तो गाइस, अगर आपको डिस्कॉर्ड में अगर आप हो तो आ जाओ हमारे सर्वर में, लिंक नीचे दिए। अगर आप नहीं हो देन ऑल्सो आई हाईली सजेस्ट, अरे ऊपर क्यों चढ़ गया, बैठ जा भाई, बैठ जा, वो आ जाएगा, उसको लगी है। अगर आप नहीं हो डिस्कॉर्ड पे, फिर भी आई हाईली सजेस्ट कि आप डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी, मतलब मज़ा आ जाता है। आप बात कर सकते हो, वॉइस चैट टेक्स्ट सब कुछ, गाने वाने सुन सकते हो, बोट होते हैं उसमें जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब कि पबजी वाले बोट जो बहुत लो लेवल के होते हैं, मतलब कि छपरी होते हैं, ऐसे नहीं, इधर ओपी वाले बोट होते हैं बिल्कुल हाई लेवल के। और यहाँ पे हमारे मैमथोर के झुंड ने हमारे आरजी को मार दिया। बोट की बात करो और किलचोर ना आए, कैसे हो सकता है? हमारे मैमथ यहाँ पे निकले, हमारे किलचोर, हमारे आरजी का किल चोरी कर दिया मैमथ। आई विल नॉट फॉरगिव यू, सारे मैमथ मार दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, हमें अभी आरजी ढूंढने हैं। आरजी, आरजी, मुझे नहीं पता इन्हें आरजी क्यों कहता है, लेकिन सब कहते हैं, तो कहो यार, मुझे कहाँ पता था कि पीयूबीजी को पबजी क्यों कहते हैं, फिर भी कहते हैं। बाय द वे, हेलो आरजी। गरुड़ा नहीं, गरुड़ा सिर्फ हमारा आरजी है, बाकी सारे आरजी सिर्फ आरजी। तो ये है, देखो गाइस, काले इसके विंग्स कितने खतरनाक लगते हैं, ग्रिफिन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर उसका पंजामा लग गया तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, बट नथिंग टू वरी, हमारा ग्रिफिन बहुत अच्छे से संभाल लेगा। हवा में मार के उसको हवा में खा गया, लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है कि मुझे किल नहीं मिला उसका। अच्छा गाइस, तो ग्रिफिन मारेगा फिर भी हमें किल नहीं मिलेगा, या मिलेगा, आई डोंट नो। आपको जानना है तो आप पीछे जाके दे सकते हो, राइट साइड ऊपर के कॉर्नर में जो है वो अभी अभी इतना हुआ कि पहले से इतना ही, ज़रा देख के कन्फर्म कर लो। हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी हमें और भी आरजी मारने हैं, तो टू बी ऑन द सेफ साइड, हम ग्रिफिन से नहीं मारेंगे। वैसे भी ग्रिफिन से मारने में क्या मज़ा है, तो हम हमारे स्नाइपर राइफल से नहीं मारेंगे उसे। बाहर बाहर गाइस, एज यू नो, जो मुझे जानते हो उन्हें पता होगा कि आई एम नॉट ए काइंड ऑफ स्नाइपर। मुझे बर्सरकर, मैं बर्सरकर हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। एंड आई कीप मिसिंग शॉट्स ऑन स्नाइपर, विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ ए स्नाइपर। एज ए स्नाइपर आप इतने सारे शॉट मिस नहीं कर सकते। गन रखते टाइम भी एक गोली मार ली उसने, अच्छा तो इट इज़ ए ईजी टारगेट, एंड बूम, नाइस शॉट उसको लगा। अब ईजी, अगर एक बार आर जी आपके पास आ रहा है फिर ईजी। हमने आर जी टेम करते टाइम भी बोला था कि वो सीधा उड़ते आपके पास, विच इज़ सो ईजी टू गिव द मैं हेड शॉट, और मैं फिर से खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों खड़ा हो जाता है ये बार बार अपने ग्रिफिन पे। तो उन्हें बस एग्रेसिव करो और उनसे दूर चले जाओ और उनकी तरफ मुंह करके बैठ जाओ, तो वो उड़ते उड़ते आपके पास आएंगे, बूम बैम बूम बैम बूम। फिर वो करीब आ जाए तो और दूर चले जाओ, जस्ट डोंट लेट देम क्लोज टू यू, दैट्स इट। और ये तो लगना चाहिए, आई थिंक लगा, नहीं लगा, ये लगेगा, ओ लग गया। एंड वन मोर, एंड वन मोर, एंड बूम बैम बूम बैम, एंड ही इज डाउन, परफेक्ट। बस छूने ही वाला था, बस छूने ही वाला था, दैट वॉज सो क्लोज, ए क्लोज कॉल, और हम उड़ गए। ये गाइस एक ग्लिच जैसा है कि यार स्पीड में नीचे आ रहे हो और अगर आप किसी रॉक से टकरा गए तो अब वो विंग्स अंदर रख देगा, मतलब कि वो उतर चुका है, तो वो ख़त्म हो जाएगा उड़ने वाला कमांड। और हाय रैक्स, मुझे एक पल के लिए लगा कि गीगा है, अगर गीगा होता तो मैं परसूट बंद करके गीगा टेम करता। गाइस हमें गीगा नहीं मिल रहा है, गीगा नहीं मिल रहा है, मतलब ग्रिफिन टेम किया उसके दूसरे दिन गीगा था मेरी प्लानिंग में, इसीलिए वीडियोस लेट आ रहा है क्योंकि प्लानिंग से नहीं चल रहा है। मैं हर रोज़ दिन के 3-4 घंटे वेस्ट करता हूँ गीगा ढूंढने में, और साइड में ये कुछ कचर पचर आलू पालू कर देता हूँ, एंड देट कम्स टू माई वीडियो। हम साइड में केव कम्प्लीट करके आ गए, आई मीन वाओ, एक ग्रिफिन ब्रीड कर दिया, दूसरा ग्रिफिन ब्रीड हो रहा है। Guys, subscribe the channel, press the bell icon and tell me where the Giga is. Where the hell Giga is? Giga ke spawn locations mujhe coordinates bhejo mujhe. I need the coordinates. I know ki pahadi pe hi hote aur bahut rare hote, sabko milte hain, hame nahi milte. Ek Giga nahi mila guys, ek Giga. Not even a single one we can tame. Aur mammoth hamare fir se kill chor nikle, do RG ko.
खत्म कर दिया। क्या यार मनोरथ, हमारे मेहमत का नाम हम रखेंगे मनोरथ, अच्छा नाम है, लेकिन हमारे पास मेहमत नहीं है, विच इज़ सो इजी टू गेट, क्योंकि वो लेते हैं रैप्टर का कीबल, और रैप्टर इज सो इजी टू टेम, सो इजी गाइज, यू कैन टेम अ रैप्टर एट आई डोंट नो बट इट इज सो इजी कंपेयर टू ग्रिपिन। तो गाइज हमने फॉर इंफॉर्मेशन हमने घर पे ग्रिफिन रखा, एक और ग्रिफिन हमें मिला था जो कि था रेडोडेन, जो कि फिर से DEN, तो हमने उसको रख दिया। एंड असॉल्ट राइफल विल नॉट वर्क हियर मिस्टर मैलम को, आर यू थिंकिंग, मुझे लगता है मुझे स्कोप अटैचमेंट लेके आना चाहिए, मेरे पास स्कोप की है अटैचमेंट, मतलब कि एनग्राम खुल दिया, हमने स्कोप अटैचमेंट नहीं ली। और गाइस परफेक्ट शॉट, आई डिडंट एक्सपेक्टेड इट टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन जैसा मारा परफेक्ट लगा, वो पार्ट से हेड शॉट नहीं, मतलब परफेक्ट, दैट वॉज वन ओपी शॉट। गाइज कमेंट करके बताओ ये शॉट कैसा लगा, मुझे तो बड़ा ओपी लगा है, मतलब एक ही शॉट में, पहले शॉट में उसको लग गई, दूसरा वॉज काइंड ऑफ मिडिल शॉट, एंड तीसरे में बूम। ओके तो हमने यहाँ पे थोड़ा फूड खाया, थोड़ा नींबू खाए, और हम यहाँ पे मर रहे ड्यू टू फ्रीजिंग, तो हम अभी बाहर चले जाएंगे स्नो बायोम के। आई नो हमें RGs मारने हैं, लेकिन RG का क्या है, वो तो बाहर भी मिल जाएंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी हेल्थ है, हाई रैक्स, बाय द वे रैक्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, इफ़ यू वांट अ टीम यू कैन कम हियर, बस इतना ध्यान रखना है कि उन्हें वुली राइनो या ऐसा कोई मार ना जाए, और तुम्हें पलोरिया ना मार जाए। हमारे रैक्स का जो एपिसोड था उसमें बहुत बार ऐसा हुआ, 4-5 रैक्स मारे तब जाके एक टीम हुआ। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी ये पूरी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि ये हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, ये आई थिंक 18th एपिसोड है, सो गो एंड वॉच ईच एंड एवरी एपिसोड, होप यू लाइक इट, डू काइंडली लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स मी आउट। और पार्ट से ये भी लग गया, ओ ये बहुत मस्त लग रहा है, ओ मस्त लग रहा था, यू आर डाउन बेबी, यू आर डाउन, वो उसको खाने जा रहे हैं। देखो मतलब आरजी का नहीं रहा गोर कलयुग, डायनासोर के युग में भी कलयुग था, लोग कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आएगा, मुझे लगता है ऐसा पहले हो चुका है, ये कलयुग था, उसके जाने के बाद सतयुग आया था, फिर द्वापर त्रेता और फिर से कलयुग आ गया है, तो ये डायनासोर वाला युग है वो हमारा युग था, यहाँ उसका भाई मर गया, वो उसी को खा के मतलब हेल्थ बफ ले रहा था, वो तो वो दोनों अभी भी हमें फॉलो कर रहे हैं, जस्ट सिंपल यही करना है, उनसे दूर जाना है, बैठना है, देखो कितना मस्त टारगेट है, एंड अरे मर जा तू, मर जा तू, मर गया, उसने हमें मारा नहीं, ये हिट नहीं हुआ उसका रजिस्टर, पता नहीं क्यों हम बच गए, वैसे भी थोड़ी हेल्थ तो कम हुई है, चलो निकल लेते, एंड उपसी टुपसी हमारा एमओ ख़त्म हो गया है, ओके नो एमओ हियर, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। बदबूम बदबूम, सो हमने इसे भी मार दिया बहुत कम एमओ में, विच इज़ रियली अमेजिंग, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना इजी होगा, अब जस्ट 4 गोलियां गाइस, सिर्फ 4 गोली, व्हाट डू यू से, 4 में मर जाएंगे तो एक ही मारना, आई थिंक वो लग गया, शिट मिस्ड इट, आई मिस्ड इट बैडली, बस दो बुलेट्स, देन इट रजिस्टर, एक हो गई, दूसरी नहीं हुई, और ख़त्म, उसमें भी नहीं है, एंड यूजिंग दैट इज बैड आइडिया। तो हम यहाँ से पट्टे से निकल लेंगे, दूर जाएंगे, एंड आई एम गोना यूज़ इट, मैं यही यूज़ करूँगा गाइस, मैं मेटल पाइक यूज़ करूँगा, मैं अर्जुन ट्रेविस को मारने के लिए ग्रिफिन पे बैठ के मेटल पाइक यूज़ करूँगा, बैम बैम बैम, दिस इज़ व्हाट यू गेट व्हेन यू मैच विथ मी। गोलियां खत्म हो गई तो क्या हुआ, हमारे सीने में जिगरा है, जिगरे में ट्रिगर है, ट्रिगर को दबाएंगे और तुम्हें मारेंगे,
चाहे उसके लिए कोई भी हथियार क्यों ना लेना पड़े। टबम। ओह गाइस, पीछे वाला हमें जस्ट मारने वाला था लेकिन हमने टेक ऑफ कर लिया। जेकब जेकब चुप हुई बात है। आई नो बात के अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हनी भाई, अभी लोग हनी भाई की मीम्स ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन डीप डाउन वी ऑल नो ही वाज द वन हु ब्रिंग। आई नीड टू कंसंट्रेट। ओके तो ही वाज द वन हु ब्रिंग द रैप इन इंडिया। उससे पहले हनी सिंह के पहले रैपिंग नहीं था, मतलब एक जमाना था तो रैप इन हनी सिंह रैपिंग। ठीक है, बादशाह इज नॉट बैड, आई एम नॉट अपोजिंग हिम, उसके गाने भी कुछ अच्छे होते बट हनी सिंह की हनी सिंह सो परफेक्ट शॉट एंड बो। मैं यहाँ पे गन मैं रिलोड कर रहा था तब उसके खोपड़ी पे लगा, मतलब गाइस आई हाईली रिकमेंड यू कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड प्लीज पीछे जाइए और ये शॉट देखिए, मतलब व्हाट अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द शॉट। Nice. तलवार से मारेगा, तलवार से मारेगा आखिरी वाले को। Oh boy, we did it, guys, we did it. Wait a minute. Wow. So guys, we have got a Quetzal Sadar. ओके गाइज, मैं आपको पता ना भूल गया कि ये जो एपिसोड है आई थिंक वो इंडिपेंडेंस डे पे आएगा, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू वन एंड ऑल हियर। और इंडिपेंडेंस डे पे हम हमारे ग्रिफिन को प्राइम मीट खिलाएंगे और हमें मिल चुका है एज अ रिवॉर्ड क्वेट्ज़ल की सैडल। प्लीज यार लाइक दिस वीडियो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, रिंग दैट बेल एज हार्ड एज यू कैन। और अभी फाइनेंस स्टेट्स करके हम घर पे जाएंगे। ओ गाइज, a well celebrated independence day, hope you all a well celebrated independence day so well, but dhyan rakhna ki independence day hai to flag hoisting mein aur zyada bheed bheed mat karna, matlab mask pehenna and you know everything, you are better than me but apna khayal rakhna। aur hume yahan pe ek explorer note mili lekin hume lagta hai ki humne ise pehle collect kar diya tha। okay, jo bhi ho to abhi hum ghar ki taraf jayenge। green obelisk that guides us to our home, green obelisk। okay guys, so have a safe independence day and one more thing, jin logo ko nahi pata yahan pe ek glitch hai, aap khud ke arc mein try kar sakte ho, dekho yahan pe 3 2 1 boom bada boom bada boom, kahan gaya, yahi kahin tha, oh ye raha, dekho guys ye hawa mein ruk gaya, hamara gripping hawa mein ruk gaya as if yahan pe land ho, usne land kar diya yahan pe, jaise zameen ho, zameen pe land karte gripping। इस अटैक में अगर जा रहा है ग्रिफिन और जमीन आई तो तुरंत पंख बंद करके वहाँ पे खड़ा रह जाएगा विदाउट टेकिंग एनी फॉल डैमेज, जस्ट लाइक यहाँ पे हुआ। वैसे वहाँ पे उसने हवा में किया, मतलब कि हवा में ज़मीन है और वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर उसे याद आया ओ भाई यहाँ तो ज़मीन ही नहीं है, मारो मुझे मारो, और वो अंदर चला गया। तो हम यहाँ पर सैडल रख देंगे। वो गाइस ग्लिच है कि क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी ऐसा होता है या नहीं। और आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पे हमारे सैडल रख देंगे। अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जस्ट स्टे होम स्टे सेफ। ब्लैक फ्लैग होस्टिंग के लिए जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट बी प्रिपेयर्ड, टेक केयर, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, अनटिल एंड अनलेस यू आर सेफ यू कैन एंजॉय दैट। वेट अ मिनट, हमें क्यों नीचे फेंक दिया, आपने देखा गाइस मैंने ऊपर जाने के बाद फ्लाई ऑफ किया था फिर भी नीचे फेंक दिया, कोई नहीं हमारे पास सीढ़ियां है। दिस इज व्हाट गेमर डज, गेमर नेवर गिव्स अप, इट इज नेवर अ गेम ओवर फॉर अ गेमर, वो हर बार दूसरा ट्राई करता है, हर बार दूसरा ट्राई करता है। जी हाँ गाइस, आई एम एलम द गेमर मैन एंड एज माई नेम सजेस्ट आई विल सजेस्ट यू टू नेवर गिव अप, सो टुडेस टिप नेवर गिव अप, दैट्स इट फॉर टुडे। Never give up, don't lose hope, and bye! Bye! Okay, like and subscribe karna mat bhulna. Bye!